हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक P10 LED साइन बोर्ड लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हम इस बोर्ड के कनेक्शन और इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये रहा हमारा P10 LED मॉड्यूल। इसे मैंने अमेजन से ऑनलाइन परचेज किया था। इसके साथ मुझे दो कनेक्टर्स भी मिले हैं। इसमें केबल 5 वोल्ट इनपुट के लिए है और एक जो केबल है वो सीरियल डाटा इनपुट के लिए है। और इसके बाद ये रहा हमारा आर्डिनो यूनो बोर्ड। आप इसकी जगह आर्डिनो नैनो बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये रहे हमारे पास कुछ जम्पर वायर, जिसका यूज़ हम अपने आर्डिनो बोर्ड को इस पैनल के साथ में कनेक्ट करने के लिए करेंगे। इसके लिए हमें 7 जम्पर वायर का यूज़ करना होगा। तो चलिए आगे हम इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा P10 LED मॉड्यूल। इसमें जो 16 LED है वर्टिकली लगी है और जो 32 LED है वो हॉरिजॉन्टल में लगी हुई है। ये LED मॉड्यूल आपको विद केस मिलेगा, जिससे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी वो है बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन वाले पोर्ट को भी देख लेते हैं। ये पोर्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सीरियल डाटा इनपुट के लिए है और इसके पूरे कनेक्शन की डिटेल है। और जो एरो का निशान है वो इनपुट का निशान आपको दर्शाता है। और एक पोर्ट यहाँ पर डाटा आउट के लिए दिया गया है। इसमें और एक पैनल हम आगे लगा सकते हैं। और ये जो दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 5 वोल्ट इनपुट के लिए है। इस बोर्ड को हम इस पॉइंट से पावर देंगे। आगे इस पोर्ट में हमें आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करना होगा। इसकी जो पिन डिटेल है मैंने आपको सामने स्क्रीन पर शो कर दी है। इस बोर्ड के साथ में हमें जो कनेक्टर मिला था मैं उसे यहाँ पर लगा देता हूँ और इसी की सहायता से मैं आगे आर्डिनो बोर्ड में इसे कनेक्ट करूँगा। जैसे कि हमें पिन नंबर 1 से आर्डिनो बोर्ड के D9 वाले पॉइंट को कनेक्ट करना होगा और पॉइंट नंबर 2 से D6 को कनेक्ट करना होगा। और उसी प्रकार 3 नंबर वाले पॉइंट से आर्डिनो का ग्राउंड कनेक्ट होगा और पिन नंबर 4 से आर्डिनो का D7 वाला पोर्ट का कनेक्ट होगा। और उसके बाद पिन नंबर 8 से D30 और पिन नंबर 10 से D8 और पिन नंबर 12 से D11 कनेक्ट होगा। ये मैंने अपने पैनल के कनेक्शन अपने आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट कर लिए हैं। आपको जो स्क्रीन पे इमेज दिखाई दे रही है उसी के अनुसार आपको इसके कनेक्शन करने होंगे। आपके पास आर्डिनो का कोई भी बोर्ड होगा, सभी के कनेक्शन इसी टाइप से ही होंगे। इन जम्पर वायर को मैंने बाहर निकलने से रोकने के लिए इसके ऊपर इंसुलेशन टेप लगा दिया है। आप भी इसी तरह से लगा सकते हैं। आगे मैं आपको इस बोर्ड की प्रोग्रामिंग के बारे में बताने वाला हूं। ये मेरे पास USB डाटा केबल है, इसको मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूं और इसके बाद हम अपने लैपटॉप से इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो चलिए आगे हम इस बोर्ड की प्रोग्रामिंग को भी देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग करने से पहले हम इसके पावर के कनेक्शन कर लेते हैं। मैं इसे भूल गया था, ये मेरे पास पुराना USB केबल है जिसे मैंने काट लिया है। इसमें एक वायर पॉजिटिव और एक वायर नेगेटिव है जो कि यहाँ पर इस पॉइंट में कनेक्ट होगा। तो चलिए आगे मैं इसे कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। ये हमने पावर के कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। इस बोर्ड को पावर देने के लिए आप मोबाइल चार्जर या पावर बैंक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस बोर्ड की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मैं इसमें इसका USB केबल है उसे कनेक्ट कर देता हूँ। अपने आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करने के बाद मैंने अपने कंप्यूटर में आर्डिनो वाले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे कि मेरे पास आर्डिनो यूनो वाला बोर्ड है तो इसमें मैंने आर्डिनो यूनो वाले बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद हम अपने पोर्ट को सिलेक्ट कर देंगे और पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें इंक्लूड लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पर जाएंगे। इस ऑप्शन में जाने के बाद हम इसमें लाइब्रेरी ऐड करेंगे, जो कि हमें DMD पैनल के लिए जो लाइब्रेरी है उसे हमें इंस्टॉल करना होगा। ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, इसमें हम DMD सर्च करेंगे। DMD सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर DMD2 नाम से आपको एक लाइब्रेरी मिल जाएगी। मेरे पास पहले से इसमें इंस्टॉल है इसलिए मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। आपके पास फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। इतना सब करने के बाद आपको इसके फाइल वाले मेनू पर जाना होगा। फाइल वाले मेनू पर आपको एक एग्जाम्पल वाला ऑप्शन मिलेगा। एग्जाम्पल में जा कर के आप वहाँ पर DMD वाले ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल में DMD और DMD2 नाम से यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन, उसे मैं सर्च कर रहा हूँ। जैसे मुझे दिखाई दे दिया है DMD मास्टर, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसे मैं अपलोड कर लेता हूँ इस एग्जाम्पल को अपने बोर्ड में।
आर्डिनो बोर्ड में इस एग्जाम्पल को अपलोड होने के लिए कुछ समय लगेगा। सबसे पहले ये कोड जो है कंपाइल होगा, उसके बाद हमारे बोर्ड में अपलोड होगा। इसके लिए कुछ समय लगेगा, आप पेशेंस रखिए। और कुछ समय बाद जैसे ही हमारा कोड अपलोड हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा पैनल है वर्क करने लगेगा। ये देखिए हमारा जो एग्जाम्पल कोड है वो इस बोर्ड में सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और हमें टेक्स्ट भी दिखाई देने लगा है। अभी हमारा जो बोर्ड है वो आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट है, तो इससे कुछ मात्रा में पावर इस पैनल को मिल रहा है, जिससे कि हमारा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, बट वो थोड़ा सा फीका है। इसमें हमें पावर कनेक्ट करना होगा। जो कनेक्शन हमने पावर के लिए किया था उसे हम 5 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मैं पावर बैंक का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास पावर बैंक ना हो तो आप किसी मोबाइल चार्जर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा पावर बैंक, इसे मैं इस केबल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करूँगा, इसकी जो LED है वो अपनी फुल लाइट के साथ जलने लगेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस बोर्ड को पावर बैंक के साथ जैसे ही कनेक्ट किया, इसकी जो LED है वो अपनी फुल ब्राइटनेस के साथ जलने लगी है। और इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आर्डिनो वाले सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। और कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको इसमें अपलोड करके आगे दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये और एक एग्जाम्पल है, ये काउंटडाउन वाला एग्जाम्पल है, इसे मैं इस बोर्ड पर अपलोड कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा जो काउंटडाउन वाला प्रोग्राम था, उसे हमने अपने बोर्ड में अपलोड कर दिया है। वो इस टाइप से हमें दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो इसमें जो टेक्स्ट है उसे भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको टेक्स्ट वाला जो प्रोग्राम है उसे मैं आपको इस बोर्ड में अपलोड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मेरे सामने टेक्स्ट वाला प्रोग्राम है, इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें जो टेक्स्ट है उसे बदल भी सकते हैं और जो भी लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से इसे अपने बोर्ड पे अपलोड कर देता हूँ। इन सारे प्रोग्राम का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने बोर्ड में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट वाला प्रोग्राम था हमारे बोर्ड में सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और जो टेक्स्ट है हमें दिखाई दे रहा है। मैंने अपने आर्डिनो बोर्ड को अपने लैपटॉप से अलग कर लिया है। अब मैं इसे अपने पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर लेता हूं और इसे पावर दे करके इसे चला रहा हूं। आप अपने इस पैनल पर बहुत अलग अलग प्रकार से जो टेक्स्ट है उसे दिखा सकते हैं। आप इसमें इंग्लिश की जगह हिंदी वाले टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप उसके लिए आर्डिनो बोर्ड की जगह एक अलग से बोर्ड आता है, प्रोग्रामिंग बोर्ड, उसका यूज़ आपको करना होगा। इस पैनल का यूज़ करके आप इसमें एक क्लॉक भी बना सकते हैं। अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इस बोर्ड को मैंने अमेजन से ऑनलाइन परचेज किया था, जिसका प्राइस मुझे लगभग 600 रुपये पड़ा था। और इसके बाद मुझे जो आर्डिनो बोर्ड है वो लगभग 300 से 400 रुपये के बीच पड़ा था। मतलब आपको 900 से 1000 रुपये के बीच में ये सारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन सभी के परचेसिंग लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर वहाँ पर हेल्प करूँगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।